ये हमारा स्वादिष्ट बैगन भाजा बनके तैयार है। बैगन भाजा की रेसिपी के लिए हमने 4 बैगन लिया है। ये वेट में लगभग 400 ग्राम के आसपास है और बैगन को हमने बड़े बड़े भागों में काटा है। तो आप चाहे तो लंबे शेप में भी इस बैगन को काट सकते हैं। तो हमने लंबे शेपों में नहीं काट के इसे उसे छोटे टुकड़ों में काटा है। तो इस प्रकार से हमने एक बैगन को 4 टुकड़ों में काटा है। ये देखिए, उसके बाद उसे फिर से उसके एक एक टुकड़े किए हैं। तो इस प्रकार के इस साइज के बैगन को हमने एक बैगन को 8 टुकड़ों में काटा है। तो ये फाइनली हमारा बैगन कट चुका है। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे। आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं और उसमें लगभग 1.5 चम्मच के आसपास तेल डालेंगे और 1 छोटी चम्मच खड़ा जीरा और 2 से 3 सूखी मिर्च हमने डाला है और इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसे ज़्यादा अभी हम पकाएंगे नहीं, क्योंकि ये बैगन जब हम इसमें डालेंगे तो वो उसके साथ भी अच्छे से पकेगा। तो अब हम इसमें बैगन डाल देंगे। तो ये बैगन हमारा जो टोटल था वेट में लगभग 400 ग्राम के आसपास। तो ये देखिए, हमने कुछ इस प्रकार का इसका शेप रखा था। तो इन सारे बैगन को हम अच्छे से मिला लेंगे और फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और इसे कवर करके पकाएंगे। तो आप बीच बीच में इस कवर किए हुए बैगन को आप हटा के इसे चलाते रहें ताकि ये जलने ना पाए। और बिल्कुल कम मसाले से हम बनाएंगे ये बैगन भाजी। तो देखिए, इसी प्रकार से आप बीच में कवर कर करके इसे पकाएंगे। लगभग 4 से 5 बार हमने कवर करके इसे चलाते हुए पकाया है। फ्लेम को हम मीडियम टू लो पे ही रखेंगे, ज़्यादा हम तेज़ फ्लेम को नहीं करेंगे। तो फिर से हमने इसे कवर कर दिया है। तो ये देखिए, हमारा ये बैगन जो हमारा ये अच्छे से सॉफ्ट हो रहा है। कितने अच्छे से पकड़ा बैगन। तो अब हम यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा को हमने बारीक काट के इसमें डाला है। लगभग 70-80% हमारा बैगन पक चुका है। उसके बाद हम डालेंगे और हम इसी स्टेज पे नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें इस प्रकार से, और बहुत ही कम तेल में भी बन जाता है ये। तो नमक डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये 1 छोटी चम्मच से हमने धनिया, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, सारे मसालों को हमने आधी आधी चम्मच दिया है। और जो तीखी वाली लाल मिर्च होती है उसे हमने 1/4 चम्मच दिया है, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि हमने सूखी मिर्च का इसमें ये जो फ़ौरन डाला था तो उससे भी कुछ तीखा हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे से सेट हो चुका है हमारा बैगन में। तो ये फाइनली हमारा बैगन भाजी बन के तैयार है। इसे हम कवर कर दिया है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, कितना अच्छा हमारा बैगन भाजा बन के तैयार है। तो आप भी लगभग 10 से 15 मिनट में बैगन भाजी बन अपने घर में बना के मेहमानों को खिलाएं। तो कैसी लगी ये फ्रेंड्स रेसिपी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक धन्यवाद। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।